गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में, ड्रैगन बॉल डायमा के थर्ड एपिसोड में। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को ड्रॉप करने में, क्योंकि घर में दिवाली की थोड़ी सी तैयारी शारी चल रही थी इसकी वजह से। वेल मेंशन नॉट गाइस, आज के इस वीडियो हम थर्ड एपिसोड को फुल्ली कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो गाइस। नाउ हम देखते हैं कि ग्लोरी, सुप्रीम काय और गोकू हाफ डीमन रियल में पहुंच चुके थे। एक्चुअली ये लोग मिड गेट पर खड़े थे। वार समय इसी बड़ी मछली का नाम है, यही सबको अंदर और बाहर आने जाने की परमिशन ग्रांट करती है। इस बड़ी सी मछली की परमिशन के बिना तुम डीमन रिम से बाहर और अंदर नहीं जा सकते हो। गोकू वाप सामा को गोल्ड फिश कह के बुलाने लगता है, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाती है। सुप्रीम काय गोकू को समझाने की कोशिश करता है कि भाई तू रुक, इससे पंगा मत ले, वरना ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। पर हमारा गोकू वो तो एकदम से बददिमाग है, वापिस से पंगे लेने लगा उससे। सुप्रीम काय ने उसे वापिस से रोका कि भाई तू रुक जा प्लीज। ग्लोरी बताता है कि मुझे थर्ड डीमन रिम में जाना है, उस गोल्ड फिश को बोलता है वाप सामा को। बट कैप्चा की तरह यहाँ भी टू स्टेप वेरिफिकेशन था। वाप सामा सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन देती है जिनके ईयर्स पॉइंटी होते हैं। अब गोकू के ईयर्स तो पॉइंटी नहीं थे, पर सुप्रीम काय ने अपनी मैजिक के हेल्प से उसके ईयर्स को पॉइंटी बना दिया था। अब वो चार डिजिट का कोड पूछती है, तो ग्लोरी ने उसे चार डिजिट का कोड बताया, देन उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी। बिना कोड के तुम अंदर या फिर बाहर नहीं आ जा सकते हो। अब एंटर करने के बाद उन्हें तीन हैच दिखाई देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और डीमन रेम का मेन गेट था ये। अब वो लोग थर्ड हैच में एंटर करते हैं, पर अंदर जाने से पहले सुप्रीम काय अपने लोकेशंस और कोड के बारे में किबीटो को बताने की कोशिश करते हैं, कि अपने टेलीपैथी एबिलिटी की हेल्प से। पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग अंदर एंटर कर चुके थे। डीमन रेम में एंटर करते हमें किंग डाबुरा का एक बड़ा सा स्टेचू देखने को मिलता है। बट एक सेकेंड, किंग डाबुरा तो फर्स्ट डीमन रेम का किंग है ना, तो उसका स्टेचू यहाँ पर क्या कर रहा है? आई थॉट कि उसके चर्चे होंगे। बंदे की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। गोकू पूछता है कि आखिर गोमा कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसके रिप्लाई में ग्लोरी बोलता है कि वो पावरफुल है क्योंकि उसके पास कुछ मिस्टीरियस मैजिकल पावर्स भी हैं, एंड जो कहीं ना कहीं पुराने वाले किंग डाबुरा की बराबरी करता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये लोग भी काफी स्ट्रांग है, बट गोकू ने माजिन बू को हराया था, दैट्स व्हाई कि ये लोग को लगता है कि गोकू इनसे ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। बट स्प्रिट बॉल को बनाने में तो अर्थलिंक के सभी ह्यूमंस ने गोकू की हेल्प की थी ना। गोकू नीचे उतरता है और उसने नोटिस क्या कि यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है और उसे जंप करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ऑफ उसकी हाइट छोटी हो चुकी है। बाय द वे, गोकू के नॉर्मल फॉर्म के लिए ये ग्रेविटी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इससे भी हाई ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर चुका है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था सेम लाइक अर्थ की तरह ही था, जिसकी वजह से सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह इनको नहीं हो रही थी। इस डायमेंशन का नाम ही सिर्फ डीमन रियल है, बट यहाँ पर डीमन रियल जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हमारे हीरोज ने पूछा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डीमन रियल भूतियाप्पा टाइप की जगह होगी। अब ग्लोरी ने गोकू को आगे जाने से रोका कि कहीं वो सी ऑफ डार्कनेस में ना गिर जाए। हमें बताया जाता है कि सी ऑफ डार्कनेस में गिरने के बाद कोई भी नहीं बचता है, उसकी सडनली डेथ हो जाती है। कुछ लोग थे जो गोकू पर अटैक करते हैं, पर ग्लोरी ने उन्हें अकेले ही मार के भगा दिया। शहर के अंदर जाने के बाद सभी लोग गोकू को बड़े ही ध्यान से घूरे जा रहे थे, क्योंकि जो उसका कान था वो अब नॉर्मल हो चुका था। सुप्रीम काय की मैजिकल पावर साइज से यहीं तक थी। ग्लोरी एक होटल में जाता है रूम को बुक करने के लिए, एंड जिसका रेंट उसे 30,000 बताया जा रहा था, पर हमारे ग्लोरी ने ऐसे चुपके से उसे बंदूक दिखाया और वो 5,000 में मान जाता है। मामला यहीं पर सुलट गया। हमारे लौंडे लपाड़ी कुछ खाने के लिए होटल में जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी सभी लोग गोकू को सिर्फ घूरे ही जा रहे थे। इंडियन और बाकी की फिल्मों की तरह ही यहाँ पर भी कुछ गुंडे आएंगे जो इन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे और अंत में इनसे मार खा के चले जाएंगे। और लो, अब इनकी एंट्री भी हो गई। कुछ लोगों को तो ग्लोरी अकेले ही संभाल लेता है, एंड बाकी के जो भी बचे खुचे लोग थे गोकू उन्हें कूदा कूदा के मारता है, भाग गए दुम दबा के मार खा के। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो सो रहे थे, सुप्रीम काय और गोकू। ये गोकू सो रहा है कि निंद्रासन कर रहा है? गोकू सुप्रीम काय के ऊपर ही लेट जा, काम कर तू, लेट जा उसके ऊपर। सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि ग्लोरी की जो स्पेसशिप थी वो होटल के लोगों ने चुरा लिया था और एक लेटर भी उसे लिख के छोड़ दिया था। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, बट इस चैप्टर में कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि सुप्रीम काय ने ग्लोरी से पूछा था कि भाई इससे पहले तू कभी फर्स्ट डीमन रियल में गया था क्या, पर यहाँ पर ग्लोरी ने सुप्रीम काय को डायरेक्टली मना कर दिया। उसने बताया कि मैं कभी फर्स्ट डीमन रियल में नहीं गया हूँ, मुझ जैसे गरीब लोगों को फर्स्ट डीमन रियल में जाने की परमिशन ही नहीं है। इवन जब वाप सामा ने उससे कोड को पूछा था, तब ग्लोरी ने सिर्फ थर्ड डीमन रियल के कोड को ही बताया था, जबकि उसने कहा कि मुझे फर्स्ट और सेकंड डीमन रियल के कोड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर सच में यही सच है तो फिर फर्स्ट एपिसोड में ग्लोरी फर्स्ट डीमन रियल में आखिर क्या कर रहा था? हमने क्लियरली देखा था कि वो गोमा और डेगुसू की चोरी छुपे बातें सुन रहा था। ग्लोरी, आखिर भाई तू क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? तेरा आखिर प्लान क्या है? सच सच बता, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? अगर हमारे हीरोज के साथ तूने कुछ गलत करने की कोशिश की तो लोग तेरी गेंद फाड़ के रख देंगे।
देंगे। 70-80% तक की बातें ग्लोरी छुपा रहा था। ये लोग जो झोलर लोग गुंडे लपाड़ी लोग हैं, ये लोग भी ग्लोरी के प्लान का ही एक हिस्सा हो सकते हैं या फिर उसके ही प्लान का एक मेन हिस्सा है कि ये देखने के लिए आखिर गोकू सच में कितना और स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू एंड सी या।